हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पैटर्न कि एग्ज़ाम में अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ये सब जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपका कितने टाइम का पेपर है, पेपर में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपके जो कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। अगर आपने कोई भी मास्टर डिग्री की हुई है और मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स हैं तो आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री चल रही है या फाइनल ईयर में है या रिज़ल्ट आने वाला है तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और इसमें जो एज लिमिट है, जो रिलैक्सेशन है, वो क्या है, अगर आप जीआरएफ की तैयारी करते हैं तो जीआरएफ में जो है आपकी जो है 30 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई एससी कैंडिडेट हैं या फिर वुमेन हैं या एसटी कैंडिडेट हैं या ट्रांसजेंडर है तो आपकी 35 एज इसमें एलिजिबिलिटी दी गई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या है इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होगा। देखिए, नेट के एग्ज़ाम में या जेआरएफ का एग्ज़ाम है जो भी है, इसमें आपके दो क्वेश्चन पेपर आते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो है इसमें आपकी 10 यूनिट्स दी गई हैं, और जो पेपर टू है वो आपका जो भी जिस सब्जेक्ट से आपने एमए की हुई है, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस से एमए की हुई है तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा वो पेपर टू होगा। पहले क्या होता था, इसमें तीन पेपर होते थे, अब क्या है इसमें दो ही पेपर कर दिए गए हैं। और अब क्या है, ये ऑनलाइन होने लग गया एग्ज़ाम। तो यूजीसी नेट अब जैसे कि साल में दो बार पेपर लेती है, तो इस बार जैसे कि कोविड-19 का जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिल करने की डेट थी वो भी बढ़ा दी गई थी। और एग्ज़ाम अभी लेट होने वाला है, जब भी होने वाला है वो आपको पता लग जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, दो पेपर होंगे आपके, पेपर वन जो सभी के लिए कंपलसरी होगा और सभी के लिए सेम पैटर्न आएगा उसका, पेपर टू जो होगा वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो पेपर वन होगा उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स आएंगी, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशंस है जिसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और जैसे कि आपके लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और आईसीटी कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैं इसके क्वेश्चन आते हैं, पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़े बहुत करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं वो भी कवर किए जाते हैं, हायर एजुकेशन, जितनी भी हमारी एजुकेशन सिस्टम जो एंशियंट इंडिया से लेकर अब तक जो भी बदलाव हुए हैं एजुकेशन को लेकर, वो सभी इस में कवर किए जाते हैं। और ये पेपर वन का पोर्शन है जो सभी के लिए कंपलसरी होता है और सभी के लिए सेम आता है। पेपर वन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक जो आपकी 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट में से हर एक में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, और पर क्वेश्चन के दो नंबर मिलेंगे तो 100 मार्क्स का आपका पेपर वन आएगा। और इसी तरह से जैसे कि आप यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि पेपर टू में से 100 क्वेश्चन आएंगे, दो नंबर का एक क्वेश्चन है तो 200 नंबर का ये आएगा, तो टोटल 300 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और जो टाइम है इसकी 3 घंटे होगा। और एक बात और याद रखिएगा आप, जो इसमें है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेचिंत बेनिश कोई भी कि आप इस डर में मत रहिएगा कि मैं ये क्वेश्चन करूँगा तो गलत हो जाएगा, मेरा नंबर कट जाएगा, तो बेझिझक आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट किएगा, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे उस हिसाब से आपका जो है एग्ज़ाम को क्लियर करने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका यूजीसी नेट का सिलेबस पैटर्न है। आप इस पैटर्न को फॉलो करके अपनी तैयारी रखिएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।